बहुत ही आदरणीय और सम्मानित आज दोपहर इस ऑडिटोरियम में मुझ उपस्थित मेरे सभी छात्र साथियों, सबसे पहले यहाँ पहुंचने पर मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। स्टूडेंट होने के नाते हाल ही में 2 साल पहले ही मैंने खुद अपना कॉलेज पूरा किया, तो मैं खुद मानता हूँ एक चीज को कि भाई जब आपसे मेरे जैसा कोई आता है और राजनीतिक बातें करता तो बैठने के लिए बड़ा औखा हो जाता है, हमारा तो फिर नहीं मन करा करता था। लेकिन आप सभी आए और आपने बड़े प्यार से हम सबकी बातें सुनी, आपने बड़ी पेशेंस से हमें टाइम दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवादी भी हूँ और आप सभी का आभारी भी। साथ ही साथ साथियों, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन एक दो बातें मैं जरूर आपके बीच रखना चाहूंगा। साथियों, ISO एक बहुत ही नई ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग इस ऑर्गेनाइजेशन को बने लगभग 1.5 महीना हुआ है, लेकिन पूरे प्रदेश में जगह जगह जहां जहां हम गए कई साथियों ने बड़ा बढ़ चढ़ के ISO को सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही साथ आज मैं आपके बीच एक अपील लेके आया हूँ कि साथियों, आज ISO आपके बीच आई है, ISO के अंदर ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हम बाकी छात्र संगठन से अलग है। आप अगर इस संगठन के साथ जुड़ेंगे तो ऐसा क्या है इस संगठन के अंदर जो हमें बाकी संगठनों से अलग करते हैं। सबसे पहले जब इस संगठन को बनाया गया था तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से जब हमारी बात हुई थी संगठन के बारे में, तो हमारा प्राइमरी गोल एक ही था। पहले भी संगठन छात्र संगठन के ही हैं, पर कहीं ना कहीं वो संगठन ऐसे हो जाते हैं कि भाई वो एक पार्टी की राजनीति में बढ़ जाते हैं, एक व्यक्ति विशेष की राजनीति में चले जाते हैं। हमारा मेन मकसद इस संगठन को बढ़ाने का है कि भाई हरियाणा का छात्र फर्स्ट, स्टूडेंट फर्स्ट, ये हमारी मेन पॉलिसी है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यह भी फैसला किया गया कि हमारे संगठन के अंदर जितने भी प्रधान बनेंगे, जितने भी छात्र आएंगे, जितने भी मेंबर्स बने, वो केवल और केवल कॉलेज को मेरे जैसा, ताकि कोई आके किसी कॉलेज में आके दखल अंदाजी ना कर सके, इसलिए हमने एक चीज का बड़ा फैसला किया कि कॉलेज के अंदर जितने भी पोस्ट, कोई भी साथी जब कॉलेज के अंदर आएगा तो केवल और केवल तभी आएगा जब कॉलेज के छात्रों से बुलाएंगे। वो केवल तभी होगा जब कॉलेज का संगठन ये चाहेगा कि आप हमारे कॉलेज में और आप हमारा सपोर्ट करें। हमारी ये चेहरे जो है वो आप हो, हमारा तो सिर्फ एक इतना काम है कि कभी भी आपको अगर यूं लगे कि हाँ इस संगठन की हमें सपोर्ट की जरूरत है, कहीं पर भी आपको लगे कि भाई हरियाणा के अंदर आपकी कॉलेज के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं पर भी आपको यूं लगे कि आपको एक संगठन की जरूरत है, आपकी आवाज को उठाने के लिए आपको हमारी जरूरत है, आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए आपको हमारी जरूरत है, तो आप बेझिझक याद करना, ये संगठन हमेशा आपके साथ रहेगा, आपके बीच रहेगा, आपके कंधे से कंधे खड़े मिला के खड़ा तैयार रहेगा। साथ ही साथ ही मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सुमित माहिया जी का, CDLU के प्रेसिडेंट हैं, आप आए, आपने भी सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ जी कंचन जी का, वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप भी यहां पर आए, आपने इस संगठन को अपना सपोर्ट दिखाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। संदीप जीशु जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, जो आपने ये नाटक किया इस नशे के खिलाफ, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि साथियों शिक्षा के अंदर रहते हुए हम सभी को एक चीज का पता है, बॉर्डर एरिया होने की वजह से यहाँ पर ड्रग्स काफी बढ़ चुका है, और मैं तो खुद यहाँ पर 2-3 साल से मैंने एक चीज देखी, इसकी बढ़ोतरी बहुत बढ़ती जा रही है, और हम बहुत सारे आपस में बात करते हैं कि ऐसी क्या चीज है कि हम इस चीज को खत्म कर सके, लेकिन अफसोस की बात यह है, ये चीजें तभी जाती है जब सरकार की तरफ से एम्प्लॉयमेंट आती है, डेवलपमेंट आती है, या फिर छात्र खुद कहीं पर स्पोर्ट्स की तरफ जब ध्यान देते हैं, जब छात्र खुद पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं, तो इस चीज से इन चीजों पर बहुत फर्क पड़ता है। तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो आपने पॉजिटिव मैसेज हम सभी को दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवादी भी हूँ और आभारी भी। और साथ ही साथ आपके ग्रुप को कभी भी पूरे हरियाणा के अंदर आप कभी भी अपनी बात रखना चाहे तो ISO संगठन आपके साथ है, आपको कहीं पर भी जाना हो, कहीं पर भी हमारी तरफ से कोई मदद हो, हम हमेशा आपके साथ है और आपकी मदद करते रहेंगे। साथ ही साथ मनीषा पायल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, आप यहाँ पर आए, आपने भी ISO को अपना सपोर्ट जताया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे संगठन की तरफ से भी और INLD की तरफ से भी, कभी भी आपको आने वाले समय में कभी भी आपको लगे इस संगठन की जरूरत है और कभी भी हमारी तरफ से कोई मदद कर सके तो हम जरूर करेंगे। और मैं तो आप मानू था हिम्मत मानू कि यही उम्र में चुनाव के अंदर छोड़ो मार्बल का तो कोई ज्यादा ऊंची सीढ़ी हुआ कोई देखे क्या यार चटाना, तो यह आपकी हिम्मत है और इस हिम्मत के लिए आपको मैं सलाम करता हूँ। साथ ही साथ वापस छात्र संगठन की जब हम बात करें तो हमने एक बात कही थी कि भी जब आपके संगठन में कोई भी इलेक्ट होगा या फिर इस संगठन की तरफ से जब भी हम किसी को नियुक्त करके आपके कॉलेज में भेजेंगे तो केवल स्टूडेंट होगा। आपके CDLU के ISO के प्रेसिडेंट
भाई बबल मिर्च जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। ये आयशु की तरफ से आपके बीच रहेंगे, कोई भी आपकी समस्या हो, कोई भी बात हो, आपके बीच रहेंगे। साथ ही साथ दो और नाम मैं अनाउंस करना चाहूंगा। ये दो ऐसे साथी हैं जिन्होंने दिन रात इस संगठन के लिए मेहनत करी। इस संगठन के बनने से पहले ये वो साथी हैं जिनका साथ के लिए जिन्होंने मदद करी इस संगठन को बनाने में। उन दोनों साथियों के मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा, सिरसा के आईएसओ के प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भाई वीरेंद्र नेओल जी को, और सिरसा के आईएसओ के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट भाई ईदू खान को। ये साथी आपके छात्र साथी है, आपके बीच रहने वाले हैं, और जैसे कि मैंने कहा मैं तो आज आया हूँ, स्टेज पे आया हूँ, बहुत जल्दी मैं पीछे हटने का काम करूंगा। हमें इस साथियों को आगे लेके चलना है, हमें आपको आगे लेके चलना है, और जब तक आपका साथ और आपका आशीर्वाद रहेगा इस संगठन को हम नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे, और हरियाणा में छात्रों के हितों को हम नई ऊंचाइयां ले जाने का काम करेंगे। साथ ही साथ ही अब आपका ज्यादा समय नहीं जाया करूंगा, क्योंकि मेरे को भी पता मैं तो खुद बोलने के लिए बैठा देखी देर चलू, तो इसीलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं जाया करूंगा, और मैं दरखास्त करूंगा कि भगड़ा परफॉर्म करने की जो हमारी टीम है आप इसको जल्द से जल्द बुलाइए और हमारे साथियों का मनोरंजन कीजिए। और एक बार फिर आईएसओ की तरफ से और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जी, राम राम।